दोस्तों, मुझे अभी भी पता चला है कि बबीता फोकट, हाँ, जो रेसलर है, देश के लिए अच्छे काम करती है, नेक है, अच्छी लड़की है, उन्होंने अभी अभी बयान दिया है। मुझे अभी पता चला है कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बोला है। इतनी अच्छी लेडी, इतनी अच्छी लड़की, देश के लिए जो नाम रोशन करती है, वो देश को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गीता फोकट जी, आपको ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान को प्यार करता है। प्लीज़, आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। मुसलमानों को बुरा मत कहो। कुछ लोग जो ख़राब है उनकी वजह से, प्लीज़ आप सारे मुसलमानों को अब्यूज़ मत करो। उधर जमाती में जो कुछ मुसलमान थे, अभी अभी पता चला है कि वहाँ उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। बबीता जी, आप फोकट में, आपका सरनेम भी फोकट है, तो आप फोकट में है ना। प्लीज़, अगर देश के लिए अच्छी बात कीजिए, या देश के मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सभी जाति के लिए अच्छी बात कीजिए, क्योंकि अभी पूरा देश परेशान है, पूरा देश ट्रोमा में है। और ऐसे समय पे, ऐसे दुख के समय पे मुसलमानों को इस तरह से बात मत करो। प्लीज़, हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है पूरे देशवासियों को एक करना, ना कि उनको अलग करना, आग फैलाना या मारा मारी करवाना या लड़वाना। नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक हैं और हम लड़ेंगे कोरोना वायरस से सब मिलकर। आप तो देश के लिए लड़ती हैं, इतना अच्छा कुश्ती उश्ती करती देश के लिए, आप ऐसा गंदे शब्द कैसे बोल सकती हैं? आई एम रियली अपसेट। आपको जल्दी से देश से और हर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फोकट में, गीता फोकट या फोकट में ऐसी बयानबाजी ना करें, इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं। दोस्तों, मुझे अभी भी पता चला है कि बबीता फोकट, हाँ, जो रेसलर है, देश के लिए अच्छे काम करती है, नेक है, अच्छी लड़की है, उन्होंने अभी अभी बयान दिया है। मुझे अभी पता चला है कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बोला है। इतनी अच्छी लेडी, इतनी अच्छी लड़की, देश के लिए जो नाम रोशन करती है, वो देश को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गीता फोकट जी, आपको ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान को प्यार करता है। प्लीज़, आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। मुसलमानों को बुरा मत कहो। कुछ लोग जो ख़राब है उनकी वजह से, प्लीज़ आप सारे मुसलमानों को अब्यूज़ मत करो। उधर जमाती में जो कुछ मुसलमान थे, अभी अभी पता चला है कि वहाँ उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। बबीता जी, आप फोकट में, आपका सरनेम भी फोकट है, तो आप फोकट में है ना। प्लीज़, अगर देश के लिए अच्छी बात कीजिए, या देश के मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सभी जाति के लिए अच्छी बात कीजिए, क्योंकि अभी पूरा देश परेशान है, पूरा देश ट्रोमा में है। और ऐसे समय पे, ऐसे दुख के समय पे मुसलमानों को इस तरह से बात मत करो। प्लीज़, हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है पूरे देशवासियों को एक करना, ना कि उनको अलग करना, आग फैलाना या मारा मारी करवाना या लड़वाना। नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक हैं और हम लड़ेंगे कोरोना वायरस से सब मिलकर। आप तो देश के लिए लड़ती हैं, इतना अच्छा कुश्ती उश्ती करती देश के लिए, आप ऐसा गंदे शब्द कैसे बोल सकती हैं? आई एम रियली अपसेट। आपको जल्दी से देश से और हर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फोकट में, गीता फोकट या फोकट में ऐसी बयानबाजी ना करें, इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं। दोस्तों, आज ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। आज मेरी रूह कांप गई है। किसी भी बच्ची या किसी भी विमेंस के साथ ऐसा होता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। लेकिन इस आदमी ने बहुत बुरा किया। इस आदमी ने मुसलमान कौम को बदनाम किया। इस आदमी ने मौलानाओं को बदनाम किया। इस आदमी ने कुरान पाक को बदनाम किया। पता है आपको, कुरान पाक के खिलाफ कोई बोलेगा, बाइबल के खिलाफ कोई बोलेगा, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको नहीं पता है, नहीं पता है आप लोगों को। और इसने कुरान सिखाने के बच्ची को और ऐसा किया, गंदा काम इसने ऐसा किया। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, करने आ
पे, मुझे पहले बात बात बताने दे, क्या करने आता था इधर, क्या करने, जवाब दे, कुरान पढ़ाने आता था, जवाब दे, जवाब जो बात हो रही है और कुरान पढ़ाने आता था, कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था, चुप करो, 7 साल की, 7 साल की बच्ची को क्या किया उसके साथ, ऊपर देख, क्या किया उसके साथ, क्या किया, शैतान का गलत हरकत हो गई, गलत हरकत हो गई, तेरा शैतान निकालू अभी मैं, निकालू शैतान, हट जाओ इस बार, हट जाओ, मुझे भी आया भाई, ये तरीका तो नहीं है, गलत इंसान है तो उसके साथ गलती हो जाती है इंसान। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अपने घर में ऐसे मौलानाओं को आने ना दे। महिला ही महिला है, वो जो फीमेल्स है वो ही कुरान सिखाए लड़कियों को, लड़कियों को चाहे छोटी 5 साल की बच्ची हो, 4 साल की हो या बड़ी हो, ऐसे मौलानाओं को घर में ना आने दे प्लीज। और कुरान सिखाना है, वो धर्म है आपका, मुझे पता है, जैसे मेरा धर्म है बाइबल पढ़ना, मेरा धर्म है लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलना, मैं ये बातें नहीं बोलना चाहती थी लेकिन आज मेरा दिल टूट गया है। मैं बोलना चाहती हूँ अपने बच्चों को, कोई भी मौलाना को घर में मत आने दो, छोटे छोटे बच्चियों के साथ मत कुरान पढ़ाने दो, आप खुद पढ़ाओ, आप खुद पढ़ाओ, वो कुरान पढ़ाने के बहाने देखिए क्या क्या काम करते हैं। 7 साल की बच्ची, अरे उसकी रूह नहीं कांपे, कितना शैतान है इस आदमी के अंदर, इसके अंदर इतना शैतान, इसने कुरान पाक को हाथ भी कैसे लगाया।